काले हिरण को पानी पीते देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख कैमरा। हाँ यार बस हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आ चुके हैं हम कानन पिंडारी जू, जहाँ पे आपको पता ही है कि पिछले वीडियो पे हमने नॉर्मल ऐसी जंगल में कुछ चिड़िया और कुछ बंदर वगैरह की फ़ोटो खींची। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार हमको मतलब एक्सट्रीम लेवल पे पुश करना है। और यहाँ पे भाई अपने को वाइल्ड फ़ोटोग्राफी के लिए जू से बेटर कुछ हो नहीं सकता। इसके बाद सेल्फ प्लान है कि जंगल सफारी वगैरह भी हम कवर करें, तो वहाँ पे भी हमको इसकी रेंज और बाकी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल कैमरा हमारा हो चुका है पूरा प्रॉपर सेट, और हम बढ़ते हैं आगे और ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए दिखाते हैं आपको अलग अलग जानवर और काफ़ी ज़्यादा पास से। तो देख सकते हैं आप वाइल्ड फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे और ऐसे ही हिरन और बाकी सारे जानवरों के धीरे धीरे वीडियोस और फ़ोटोज़ लेंगे। तो फ़िलहाल आपने देख लिया हमारा पहला जो था हिरन, इसके बारे में कौन सी हिरन है वहाँ पे आगे लिखा हुआ है, अगर हर जाके दिखा दे बोर्ड। तो आप देख सकते हैं अभी हम मोर की फ़ोटो खींच रहे हैं, और मोर की फ़ोटो खींचने के लिए आप देख रहे हो सामने काफ़ी ज़्यादा जाली है, तो इसके लिए हम फुल में तो वीडियो ले नहीं सकते। तो इसी वजह से हम जितना हो सके फोकस करते हैं जब तक ये जाली पूरी तरीके से गायब ना हो जाए। और एक फ़ोटो ली, अब मोर पीछे की ओर घूम चुका है। यार ये क्या बकैती काट रहा है। वाह, तो ये आप देख सकते हैं, इसकी हम पिक लेने की कोशिश करते हैं। एक तो वाइल्ड फ़ोटोग्राफी में क्या होती है ना कि काफ़ी लंबा टाइम तक हमको रुकना पड़ जाता है, तब तक उसकी मूवमेंट देखने के लिए, सारी चीज़ें देखने के लिए। और बाकी चीज़ में इतनी सारी प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन इधर आप देख सकते हैं कि हमको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है एक परफेक्ट पिक निकालने के लिए। तो छोड़ो, ये तो ऐसे शर्माते रहेगा। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और कौन से नई और काफ़ी काबिले तारीफ पिक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हिंदी में कहा जाता है कोटरी, और बार्किंग डियर इसे इंग्लिश में कहा जाता है। आज हम इसके वीडियो ले रहे हैं और पास से दिखाते हैं कि आखिर दिखते कैसे हैं। हालांकि इतने पास से मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और ये वाली तो खैर छुप चुकी है, और बाकी हम और ढूंढते हैं ना। आप इस वक्त बार्किंग डियर को देख रहे हैं। और अगर बैकग्राउंड से आपको वॉइस आ रही होगी तो शेर की वॉइस आ रही है रहे हैं। आप इन्हें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पास से देख रहे हैं। तो ये पास से कुछ ऐसी दिखती है, और इनके सर पे ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल कस्तूरी हिरन के जैसे प्रतीत हो रहे हैं। आई होप आपको कोटरी मतलब बार्किंग डियर आपको पास से देखने पे अच्छा लगा होगा। और अगर अभी तक आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे जो लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और साथ में हम चलते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, देखते हैं आगे हमें और कौन सी चीज़ें पास से देखने को मिलती हैं और किसकी कैसी वीडियोस और पिक आती हैं। तो अभी हम इस वक्त बूरिच मतलब रैटल को देख रहे हैं अपने इस कैमरे से, और इतनी जाली होने के बाद भी जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इधर से उधर भाग रहे हैं। और बैकग्राउंड से लगातार शेर की आवाज़ आते हुए, ये बार बार सामने बार बार पीछे की ओर दौड़ लगा रहा है। पता नहीं इसको कुछ प्रॉब्लम है शायद, ये एक जगह पे खड़ा नहीं है। क्या पता इस वक्त ये डाइटिंग आपको अपने कैमरे से दिखा रहा है कि इस वक्त क्या पिक्चर क्वालिटी आती है, और हम इस वक्त कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पे सब्जेक्ट की ओर, और वीडियो निकाल लेता हूँ आप सबको दिखाने के लिए।
लंगूर के मुंह में अंगूर। अरे यार क्या यार सर कॉमेडी कर देता है तू। हर्ष कैमरा पीछे कर लेना तो एक बार। चल रीस्टार्ट करो। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं अभी ब्लैक बग बोले तो कारा हिरन, यहाँ पे उसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन। अरे हो गया, हाँ ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन आपको हर्ष ने दिखा दिया है। ऑल दोस्त हर्ष काफ़ी ज़्यादा समझदार है, वो कहने से पहले ही आपको सारी चीज़ें दिखा देता है और हम कहने के बाद आपको हिरन दिखाते हैं। तो हिरन काफ़ी पास से जूम इन जूम इन जूम इन, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक मादा को कैप्चर किया। मैं थोड़ा सा कैमरा को ढीला कर लेता हूँ ताकि आसानी से हम इधर से उधर मूवमेंट कर पाएँ। और ये आप देख सकते हैं हिरण के झुंड को। और यहाँ पे अलग अलग हिरण की अलग अलग प्रजाति, जो कि सारी प्रजाति एक है, बस उनके कलर में डिफरेंस है। हालांकि मेरे को एक बात समझ में, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इनका नाम काला हिरन है लेकिन इनमें से गोरे भी क्यों हैं कुछ। सबको काला काला होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक नर को कैप्चर किया, दो नर हो गए। तीसरी मादा। और यहाँ पे नर और मादा का एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा। क्योंकि यहाँ पे ये पानी पीने आई है। आप इस वक्त ब्लैक बियर को पानी पीते देख रहे हैं, मतलब काला हिरण। आप इस वक्त काले हिरण को पानी पीते देख रहे हैं। और यहाँ पे हम वीडियो को पॉज करके इसके कुछ फोटोज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा धूप है हमारे बैकग्राउंड में, कहीं पे ऐसा है कि कहीं पे सूरज निकल भी नहीं रहा है और यहाँ पे धूप पे धूप, और देख सकते हैं पसीना माथे पे। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं और हमें क्या क्या देखने को मिलता है पास से और कौन सी अच्छी पिक्चर्स हम निकाल पाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और सच बताओ तो कैमरा काफ़ी भारी है और ट्राइपॉड के साथ और काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है। हो गया, तू ऑन भी कर देता है, इतनी जल्दी पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों हम देख रहे हैं चिंकारा। चिंकारा को इंग्लिश में भी चिंकारा कहा जाता है। हम सीधा वीडियो ऑन कर रहे हैं और क्योंकि ये काफ़ी छोटी छोटी है और वीडियो की क्वालिटी आपको समझ में आ जाएगी। और क्या है कि फ़ोटो वगैरह हम तो आप चिंकारा की पतली पतली सींगें देख सकते हैं उनके सर पे, और काफ़ी प्यारी लग रही है ये। या यूँ कहूँ चिंकारा की जो सींग है काफ़ी ज़्यादा पतली पतली भिंडी की जैसे दो माथे पे चिपका दी गई है। हम चिंकारा की एक दो बढ़िया सी पिक्चर्स निकाल लेते हैं। फोकस नहीं लिया, ऑब्जेक्ट हमारा मिस हो चुका है, हमारा मतलब सब्जेक्ट मिस हो चुका है।
तो हमने चिंकारा की कुछ पिक्चर्स क्लिक कर ली हैं। जैसी भी पिक्चर होगी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको पिक्चर क्वालिटी कैसी लग रही है अभी तक। और हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस कैमरे की क्वालिटी, ऑल दोस्त वाइल्ड फ़ोटोग्राफी के लिए वैसे तो बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और सच कहूँ तो काफ़ी अच्छी पिक्चर्स निकाल के हमें दे दे रहा है ये अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और सामने और हिरन, और इस लाइन में लगातार अलग अलग तरीके के आपको हिरन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे है पाढ़ा, पाढ़ा हॉग डियर, तो हम हॉग डियर को भी कैप्चर करेंगे। और हॉग डियर की पहले कोशिश करते हैं कुछ पिक्चर्स क्लिक करने की। तो ये सामने इस वक्त आप हॉग डियर मतलब कि पाढ़ा को देख रहे हैं। और ये एक साथ हमने तीन तीन पाढ़ा को कैप्चर किया। हमने इस वक्त वीडियो ऑन कर दी है ताकि आपको वीडियो पे भी देखने को मिल जाए कि पाढ़ा कैसे होते हैं। हालांकि हम खुद पहली बार पाढ़ा को देख रहे हैं। हमें एक चीज़ ये समझ में नहीं आती कि जब हम वीडियो शूट करते रहते हैं तभी हमें अलग अलग पोजीशन में हिरन दिख जाते हैं जो कि कैमरे की तरफ दिखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो हमें पोज दे रहे हैं। और ये कुछ खा रही है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ऐसे गाड़ियों में टूर कराया जाता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको गाड़ियों की जगह पैदल घूमना चाहिए आप अगर ज़ू में जाते हैं तो। अगर आप जंगल सफारी पे जाते हैं तो बात अलग है। हालांकि मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि एक पास में एक पाढ़ा और खड़ा हुआ है तो उसे दिखा दें। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे और क्या क्या देखने को मिलता है तो वो वीडियो पे आप बने रहना, साथ में कुछ शॉर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो शॉर्ट्स में भी अपना वही प्यार दिखाना जो कि आप लॉन्ग वीडियो पे दिखाते हो, और जो शॉर्ट्स में दिखाते हो लॉन्ग वीडियो पे दिखा दिया करो, व्यूज ऊपर नीचे होते रहते हैं। हम इस वक्त प्योर वाइल्ड लाइफ का फील लेते हुए, क्योंकि अब यहाँ पर दो पाढ़ा मतलब वही सेम हिरन इस वक्त पानी पी रहे थे, और हमने क्या ही तो वीडियो कैप्चर की है, साथ में आपको देखने को मिलेगी और काफ़ी कमाल की पिक्चर्स। मतलब दो बार हुआ, एक नॉर्मल हिरन को हमने कैप्चर किया और अभी इसको पानी पीते हुए कैप्चर किया। और सच बताऊँ तो बहुत कम ही ऐसे मोमेंट देखने को मिलते हैं जो कि हमको अक्सर हिरन पानी वगैरह पीते हुए दिखाई दिए जाते हैं। हाँ भाई, हाँ यार, देख लेना। HDR हो।